नमस्कार मित्रों, गेलको वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो आज हमारे पास गेलको की थ्री फेज स्मार्ट इंटेलिजेंट कंट्रोल पैनल है, तो इसे सेटअप कैसे करना है वो हम देखेंगे। सबसे पहले पंप का नॉर्मल रेटेड करंट कितना है वो हम चेक करेंगे। इसके लिए पैनल का ग्रीन बटन दबाकर पंप को ऑन करें। पैनल की डिस्प्ले पे वोल्टेज और मोटर या पंप का करंट दिखाई दे रहा है। ये करंट हमारी मोटर या पंप का नॉर्मल रेटेड करंट है। पैरामीटर सेटिंग के दौरान हमें यह नॉर्मल रेटेड करंट के वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। अभी रेड बटन प्रेस करके मोटर या पंप को बंद कीजिए। अब 4 से 5 सेकंड तक सेट बटन को प्रेस करना है। अभी पैनल में हाई वोल्टेज का ऑप्शन दिखेगा, इसे हम रेड बटन दबाकर डाउन और ग्रीन बटन दबाकर अप कर सकते हैं। वैल्यू सिलेक्ट हो जाने के बाद सेट बटन को प्रेस करेंगे। पैनल में लो वोल्टेज का ऑप्शन दिखेगा, इसे भी हम ग्रीन बटन दबाकर अप और रेड बटन दबाकर डाउन कर सकते हैं। वैल्यू सिलेक्ट हो जाने के बाद सेट बटन को प्रेस करेंगे। पैनल में ओवरलोड का ऑप्शन दिखेगा, ओवरलोड प्रोटेक्शन की वैल्यू पंप के नॉर्मल रेटेड करंट से 20% हायर रखनी है। हमारे पंप का नॉर्मल रेटेड करंट 7 एम्पियर जितना है, तो उसका 20% 8.4 होगा, तो हम ओवरलोड की वैल्यू 8.4 एम्पियर पे सेट करेंगे। वैल्यू सिलेक्ट हो जाने के बाद सेट बटन को प्रेस करेंगे। अब पैनल में ड्राई रन का ऑप्शन दिखेगा, ड्राई रन प्रोटेक्शन की वैल्यू पंप के नॉर्मल रेटेड करंट से 20% कम सेट करनी है, तो हम यहाँ पे 5.6 एम्पियर सेट करेंगे। वैल्यू सेट हो जाने के बाद सेट बटन को प्रेस करेंगे। अब टाइमर का ऑप्शन दिखेगा, AT का मतलब ऑटो मोड और ML का मतलब मैनुअल मोड। अगर आप पैनल को मैन्युअली ऑन और ऑफ करना चाहते हैं, तो ML को सेलेक्ट कीजिए। अगर आप पैनल का टाइमर सेट करना चाहते हैं, तो AT यानी ऑटो मोड सेलेक्ट करके सेट बटन प्रेस कीजिए। अब इसमें आप ऑटो ऑन या ऑटो ऑफ दोनों में से कोई भी एक टाइमर को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ऑटो ऑन टाइम सेट करना है, तो ऑटो ऑन मोड को सिलेक्ट करके सेट बटन प्रेस करेंगे। अब टाइम का ऑप्शन दिखेगा, जिसमें हम ग्रीन और रेड बटन से टाइम की वैल्यू 0 से 240 मिनट तक सेट कर सकते हैं। वैल्यू सिलेक्ट हो जाने के बाद सेट बटन को प्रेस करेंगे। अब पैनल में पैरामीटर का सेटिंग हो गया है। गेलको से कनेक्ट होने के लिए धन्यवाद। ज्यादा जानकारी पाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट की विजिट करें।